भी बाजी कौंसर की तरफ से राशन आए हाँ। तो बाजी ये कबूल कर ले जी, और जो है ना बाजी के लिए भी दुआ करना, अल्लाह पाक उसे शख्सिया दे। तो ये राशन है बाजी आपके लिए सारा मुकम्मल। तो ये बाजी कौंसर है यूके से, तो उसने कहा है कि मेरी तरफ से राशन दे देना। अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे, उम्मीद है कि ठीक होंगे। अल्लाह के फजल व करम से मैं भी ठीक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें आबाद रहें। तो आज एक और फैमिली के पास मैं पहुँची हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम बाजी, बाजी क्या हालात हैं आपके? ठीक है भाई, ये हालात है ना, बच्चों के ईद के कपड़े हैं ना, जूते हैं ना कुछ, ना इतना घर है, पानी नहीं है। अच्छा। ते मेरा घर वाला भी सरकार ने कमा नहीं सकता। अच्छा, हाँ ऐसे हाल। कितने बच्चे हैं आपके? 6 बच्चे हैं, चार बेटे, दो बेटे, दो बेटे ना अखीं दे मसला है। दुआएं बेटी को, बेटा ऊपर देखना उधर परेशान थे ना डॉक्टर ने, सेन भैया ने अखी कामयाब नहीं थे, काम नहीं ले गए, एक खत्म हो गई है, एक बेटा रहे, एक बेटा है, एक जो आंख है ना वो बिल्कुल खत्म हो गई, दूसरी थोड़ी थोड़ी है, जदीद नहीं पड़ती इस आंख में से, नहीं पड़ती, एक एक खत्म है, उन्हें जो बस आधी आधी क्या है। डॉक्टर ने से उन्होंने 12 साल के बाद मुंह मोक और इंदी में एक मोगी है के अखी और सोच ले रही कुछ नहीं है, अखी भाल देख नहीं सकते। अच्छा, मर्द पर नहीं निकल सकते, कभी कभी दिख रही है क्या देखो मैं। हां ये 3 मर्तबा, 2 मर्तबा मेरे घर में गई है, इसे पता चला है। कार्ड ही पर डॉक्टर ने जवाब दे दूंगा कि बस ये कुछ नहीं थी सकता, बस कुछ दौरे पर अंदर आ गए, गरीब बंदे बड़ा खर्चा थे, ला ला दे तंग थे गए। बिल्कुल, तो पानी भी कहते हैं हमारे घर पानी घर नहीं, यही रहना सहना है, ये कमरा है और ये चप्पर बनाया हुआ इन्होंने, तो इधर रहते हैं तो इनका पानी भी नहीं है। तो आप बहन भाइयों के सामने हैं इनके हालात। 2 बच्चे कहती है, 2 बच्चे कहाँ गए हुए हैं? 2 बच्चे बस कलंक वाटर्स में गए। अच्छा, 4 बच्चे सामने बैठे हुए हैं। तो आपको भाई क्या है? सरकार ने काला जल काम। अच्छा, काम नहीं कर सकते फिर आप? ठीक, आप बच्चों को कैसे कमा खिलाएंगे? मासी ने गुजारा मजदूरी करके अंदर थोड़ी बात थी ये भाई ने। अच्छा, बहुत मुश्किल हालात, हाल ही नहीं कम थी, ज्यादा घी महंगी थी, सामान है कोई घर से देने का। बिल्कुल बिल्कुल भाई, अगर कोई रेडी वगैरह लगा दें तो फिर काम कर लोगे कोई? कोशिश करे तो वो बस थी, तीन तो 12 कम देनी थी ना। रेडी वगैरह आपको कोई सेटअप कर दें तो आप ना सब्जी वगैरह बेच दिया करें और घर का अखराजात चला सकें। बस करे तो गुजारा, अल्लाह खैर करे। बिल्कुल सही कहता है कि अगर रेडी लग जाए ना तो कुछ ना कुछ गुजारा हो जाएगा। बिल्कुल, तो आपके सामने इनके बहुत बुरे हालात हैं, इन बच्चों की आंखें देखें, एक उस बच्चे का दीद का मसला है बिल्कुल, वो भी खत्म हो चुकी है। हाँ। दूसरी मैं आंख में से कहती है बस डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। हाँ। दूसरा बच्चा ये दिन ही में। अच्छा, ये भी ऊपर नहीं देख सकता। हाँ, ऊपर नहीं देख सकता, इनका मसला खत्म हो गए, बस दुआ करें, बच्चों के लिए दुआ करें, दीद का मसला कितना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ा मसला है इनका, बहुत बड़ा मसला है, बहुत परेशानी हो रही है इन बच्चों को। इंशाल्लाह। तो भाई आप फिर कारोबार कोई करें तो आपको लगवा दें, रेडी वगैरह तो क्या कारोबार कर ले लोगे? बैठा काम कर गेंगे, बैठा कुछ करवाड़ बैठे, बैठा काम कर गेंगे। अच्छा अच्छा, बैठ के कोई काम कर लेते ऐसे? ये पहले रेडी लगाते थे आप? रेडी पड़ी हुई है अंदर। हाँ, रेडी लगाते थे, फिर अब भी नहीं लगा रहे? अब रेडी के बीच का पैसा हो तो पा दे रेडी लाऊं। अच्छा, तो आपको अगर सामान वगैरह डलवा दें फिर आप अपना रोजगार बना लें। बिल्कुल, तो जो है ना इनका पानी भी नहीं है, तो ये इनके मसले मसाइल देखे, कुपे इन्होंने रखे हुए हैं। बड़ी बेटी हो गई है इसका, दूर जाती है, लैट्रिन नहीं है, किमें करो लैट्रिन, किमें बाल बनवा गया, बड़ी सारी है निकी, बड़ी सरसी बना ली है। जी जी, बाथरूम नहीं है? नहीं है। और कपड़े वगैरह, जूते वगैरह नहीं लिए अभी? नहीं लिए, कुछ जूते वगैरह कपड़े वगैरह। राशन पूरा नहीं होता कहते हैं हमारा, बीमारी बीमारी। हाँ, इन बच्चों को भी है और खुद भी वो भाई बीमार है, कहते हैं कि इतना पैसा हमने इनके ऊपर लगा दिया कि अभी तक ठीक नहीं हुए, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, मसला बीमारी है मसला है ना, वो तो हल अभी नहीं होता, फिर तो ऐसे पैसे लगाने का खत्म थी, 2 रुपए डॉक्टर ने सारे थे भाई, 12-13 साल ये खत्म हो जाए। अल्लाह माफ करे, नहीं होगी इंशाल्लाह, दुआ दे अल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह भाई, आप परेशान ना होना, घबराए ना, कुड़े ने बीमार से ना बंदे के वो पढ़न दा कहीं ने उस्ताद ही उस्ताद ने याद है सारा वो याद है, तू यही हुई अपनी पे रही, हम लोग किताब नाल कर बसी, हम लोग ना जी हां दे रही है, समझे कुरान से हाफ से पढ़ी देना, एक पर है किताब रख देना, सब खमार वाला नहीं देखे, इतनी बच्ची सिर्फ शौक है भी पढ़न दा, इतना बस क्या करे बना। हाँ, मेरे पास ये गई है एक मर्तबा, तो मैंने इसे कहा था कि मैं में दर्द सी, फिर मैं फिर तो मैंने कहा था कि मैं आपकी वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह बाजी, मैं आऊंगी आपका घर का मुस्तकबिल देखूंगी। तो आते ही देखा मैंने, बहुत परेशानी हुई है इनके हालात देख के। आप सब बहन भाइयों के सामने हैं, आप इनकी सपोर्ट करें, इनके 6 बच्चे हैं,
तो चार बेटे दो बेटियां जी। तो इनके यही हालात है ना, इनके कपड़े ना कोई खाना जूते वगैरह ना खाने जूते वगैरह हैं। तो बच्चे देखे फटे पुराने हुए, कुछ भी नहीं है। ये देखे गर्मियों में उन्होंने बच्ची ने लुकार की हुई है गर्म। तो ये हालात है इन बच्चों के। अच्छा बाजी आप परेशान ना हो, मैं राशन लेके आई हूँ आपके लिए, ठीक है। मैंने आपके ये सारे हालात देखे हैं, मैंने कहा हाथ खाली ना जाऊँ, आपका देखूंगी तो फिर मैं राशन भी दे दूंगी आपको। जी बिल्कुल। तो मैं इसलिए आप दो मरतबा मेरे घर में गई हूँ, तो मैं गई हूँ तो मेरी मेरे दिल को जो है ना कुछ हुआ है, तो मैं आपके घर आई हूँ क्योंकि जो है ना मैं नहीं देख सकती आप लोगों को। हाँ मुझे परेशानी हुई है बाजी। तो आपने उनके लिए भी दुआ करनी है जिन्होंने इतनी सारी सपोर्ट हमारे कर रहे हैं आप सब बहनों के लिए। वो आपके लिए भी करेंगे इंशाल्लाह। तो जो है ना जैसे होगी आगे सपोर्ट वो भी देंगे आपको, पहले हम आपको राशन दे के जाते हैं, ठीक है। तो ये राशन है बाजी आपके लिए सारा मुकम्मल। तो ये बाजी कौसा रहे यूके से, तो उसने कहा है कि मेरी तरफ से राशन दे देना, उसका पहला राशन है, उसका एक और भी देना है मैंने जी, दो राशन वो भी शेयर करूंगी। और उसने कहा था कि मेरी तरफ से गोश्त लेके देना, तो गोश्त मैं इसलिए नहीं लेके आई क्योंकि गोश्त खराब हो जाता है गर्मी है ना, ना। तो आप ताज़ा लेके बच्चों को बना के खिला, पैसे दे देते हैं तो फिर आप ताज़ा ले लेना। घी हो गया, आप जामा शीरी, आटा हो गया, जामा शीरी, दाल वगैरह, आलू सब कुछ है। इंशाल्लाह ये रोजा खोलेंगे, इफ्तारी करेंगे, दुआ करेंगे जी। इस फैमिली के पास मैं पहुंची हूं, तो मैं ना आधे घंटे से आई हूं, तो ये बाजी नहीं थी, सिटियां चुनने के लिए गई हुई थी, इनकी बेटियां खाना बना रही थी, रोजा है ना जुम्मे का आज जी। तो बाजी कैसी हो? मैं ठीक। अच्छा ये सिटियां चुन के आई हो? बाजी मैं आपके लिए राशन लेके आई हूँ। तो बाजी आपके कितने बच्चे हैं, किस तरह हम उसको फील कर रही हैं? छह बच्चे बस, ये मजदूरी करे मैं अभी जी, मेरे घर वाला पोते के मैं मेहनत मजदूरी कर रही हूँ, साल में साल पूरा करे मैं बदी। अच्छा मेरे को अभी मैं नहीं हूँ, तो इनकी बेटियाँ खाना बना रही थी जी, बिल्कुल। तो ये राशन हम लेकर आए रोजा है सबको। तो ये भी बाजी कौंसर की तरफ से राशन आए, तो बाजी ये कबूल कर ले जी, और जो है ना बाजी के लिए भी दुआ करना, अल्लाह पाक उसे सुखसिया दे आपके बच्चों के बारे में जी। उन्होंने सोचा और उन्होंने राशन दिया आपके लिए, तो ये खाएंगे और रोजे रोजे रखते हैं इनके बच्चे। इनके बच्चे जो है ना कैमरे के आगे नहीं आना चाहती, इसकी बेटियां हैं, बेटियों का साथ है जी। तो जो हो सके आप इनकी सपोर्ट कर सकते हैं, इनको मैं दे जाऊंगी कपड़े वगैरह जो हो सकेगा इंशाल्लाह ईदी के। तो ये राशन तो मैं इनको दे के जा रही हूँ, ये राशन उनकी तरफ से है और कुछ पैसे भी है, तो वो भी हम देंगे। तो वो इसलिए के जो है ना बाजी का गोश्त लेकर देना, तो गोश्त हम इसलिए नहीं लिया कि वो गर्मी है तो खराब हो जाता है। हाँ। तो ये बाजी गोश्त ले लेना, बच्चों को बना के शाम को रोजा अख्तियार करवाना, ठीक है बाजी? हाँ तो बाजी के लिए भी दुआ करना। हाँ ठीक है फिर इंशाल्लाह चलते हैं। हाँ इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जैसे कुछ सपोर्ट हुई तो हम इंशाल्लाह आपके पास आएंगे इंशाल्लाह।